कहाँ कहाँ से है एम्बुलेंस? अरे भैया इस लाइन में मिला है। नहीं तो ये एम्बुलेंस इसके लिए है? इसके लिए नहीं है। किसने आदेश दिया केस छोड़ने आए? किसने आदेश दिया आपको? अरे निकाल गया कि अभी तक तो ऐसा कोई मामला हमारे संज्ञान में था नहीं। अभी आपने इसको हमारे संज्ञान में दिया है, इस पर जो है हम इंक्वायरी करेंगे, अपनी पूरी रिपोर्ट जो है कम्प्लीट करेंगे और उसके बाद में हम अपनी HR टीम को इस रिपोर्ट को सबमिट करेंगे ऊपर। तो जो भी कार्रवाई करनी होती है हमें सिर्फ अपना रिपोर्ट सबमिट करना होता है। यहाँ से जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन है वो हम पूरा कंप्लीट करके अपनी HR टीम को सबमिट कर देंगे, उसके बाद वो उस पर कार्रवाई। किसकी फीस थी उठा जा रही थी? अभी जैसा कि इसमें जो है आपने दिखाया हमें और लोकेशन पे बात किया गया, तो उनका कहना है कि ये हमको जो है लकी ड्रामे हमको मिला स्टाफ को। भाई वो भी आदमी है, मॉल में गए अपना कुछ परचेज वगैरह किया तो उनको कोई कूपन मिला था, उस कूपन के थ्रू उनको लकी ड्रा में ये मिला। अब जो स्टाफ होते हैं वो तो लोकल होते नहीं, क्योंकि हमारी कंपनी का ये नियम है कि लोकल स्टाफ हम रखते नहीं, दूसरे ज़िले के स्टाफ ही रखते हैं। तो उनका यही कहना है कि सर लकी ड्रा में हमारा नाम आया था और हमने जो है जिला पे हम रेफर केस लेके गए थे, वहीं हमको फ़ोन आया और हम वहाँ पे जाके बैक टू बेस हो रहे थे, तो हम वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा ये आपका फ्रिज है, आपका लकी ड्रामे निकला है, आप इसको ले जाइए। लेकिन हालांकि उनका कहना ये है कि मैं फ्रिज ले नहीं गया हूँ एम्बुलेंस से, लेकिन हम उस पर जो है पूरी जाँच करवाएंगे, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हमारी कंपनी करेगी। इसके संबंध में आपने एक वीडियो दिखाई है, इसके संबंध में एक तो जो संबंधित ड्राइवर है जो चला रहे उनसे तो रिपोर्ट मांगेगी किस क्या वो लेके जा रहे थे, कौन सी सामान था, और जो इसको और जो 108 है जो फाउंडेशन है उनको भी लिखे जाएगा कि ये जो सामान लेके जा रहा था या ये सरकारी था या गैर सरकारी था, किस लिए उद्देश्य था, क्योंकि 108 तो पर्पज़ अलग है इसका, वो फाउंडेशन को लिखा जाएगा और MD साहब को भी लिखी जाए कार्रवाई करने के लिए।